और अब मैं बारामती का जो सरकारी मेडिकल कॉलेज है वो दिखाता हूँ। ये देखिए, महाराष्ट्र में बारामती पुणे जिले की एक तहसील है, और आप देखिए इस तहसील में सरकारी मेडिकल कॉलेज कैसा बना है। आपको तस्वीरों में मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, तस्वीरों में खुद ही समझ में आ गया होगा। अभी ये नया नया बना है, कुछ साल पहले बन करके तैयार हुआ है। अभी यहाँ पर OPD ही होती है, और ये देखिए सड़क बारामती की। आपको मैंने बताया ना कि आपको जब नेताओं के चुनाव क्षेत्र देखने होंगे तो आपको सिर्फ बारामती और सैफई में तुलना करनी पड़ेगी, और कई मामलों में बारामती सैफई से 20 ठहरेगा अगर आप उद्योग धंधे और दूसरी बातें करें। ये देखिए सामने जो आप देख रहे हैं, ये महिला हॉस्पिटल है सरकारी, जहां पर मुफ्त इलाज महिलाओं का होता है, और ये भी सरकारी अस्पताल है। और इस पूरे इलाके में MIDC सेंटर है, जहां पर बहुत सारी कंपनियां, हजारों लोग नौकरी करते हैं। वेस्पा स्कूटर आप जानते ही हैं, उसकी फैक्ट्री और तमाम बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ यहाँ पर है। ये तीन किशोर इधर फोटोग्राफी के लिए आए थे, तो इधर क्या आप रील बनाने आए थे क्या? नहीं, अपनी फोटो निकालने आए थे। ये बैकग्राउंड अच्छा आता है? बहुत अच्छा आता है। और आप रहने वाले कहाँ के? मेन सिटी बारामती का हूँ मैं। यही बारामती के। स्कूल में है, कॉलेज में आ गए? अब कॉलेज में आ गए, 11th में हम। दसवीं खत्म हो गई, इसलिए फोटोशूट। तो इधर पढ़ाई लिखाई सारे स्कूल कॉलेजेस सब है? बहुत अच्छा है सब कुछ, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। नहीं, नौकरी भी मिल जाती है? हाँ, सब कुछ मिल जाता है इधर। तो ये सब कुछ पवार फैमिली का किया हुआ? उनके ही ये सब। तो छोटे पवार या बड़े पवार, मतलब दोनों अच्छे है, क्या बोले। बारामती उनकी है। ये क्या हो रहा है यार? वो अनप्रेडिक्टेबल है, वो कुछ भी कर सकते हैं। वो पॉलिटिक्स है सब कुछ। हाँ? सब कुछ पॉलिटिक्स है वो। ये कुछ भी कर सकते हैं? हाँ। कौन, अजीत दादा या साहब? दोनों अच्छे हैं, गेम चेंजर है। हाँ? दोनों ही गेम चेंजर है। लेकिन इस बार तो आपस में ही गेम खेल गए। वो क्या पता अपने को, वो क्या सच है क्या नहीं, किस पर गेम डालेंगे क्या पता। अब पलटा भी सकते हैं ना गेम, गेम कैन बी चेंज्ड एट एनी मोमेंट। ऐसा क्यों लगता है यार? अब तो देख रहे हो अलग अलग हो गए, क्या क्या बोल रहे हैं एक दूसरे के बारे में, कभी तो बोला नहीं था। अब होता रहता है, ये पॉलिटिक्स है। क्या बोलते हैं यहाँ बारामती के लोग, या तुम्हारे घर में जो पेरेंट्स हैं तुम्हारे बड़े लोग, वो क्या इसको लेके बोल रहे हैं, क्या चर्चा करते हैं आपस में? वो मतलब वो दोनों को फॉलो करते हैं, वो कुछ भी करे पर वो कभी उनको छोड़ेंगे नहीं। राष्ट्रवादी समर्थक, कट्टर राष्ट्रवादी। तो राष्ट्रवादी तो दो हो गई तभी भी। वो मतलब उनको पता है कि कब क्या हो सकता है, वो कोई नहीं बता सकता ऐसे। अजी, आपके घर में क्या बोलते? सेम है वैसे, मतलब आप हमें ये बहकावा भी हो सकता है ना, मतलब रियलिटी तो नहीं पता ना हमें, ऐसा ही है या और कुछ स्क्रिप्टेड है ऐसा कुछ। बड़ा मुश्किल है यार, दोनों कह रहे हैं एक दूसरे को, और आप लोग अभी भी यकीन नहीं कर रहे कि ये अलग हो गए। अलग तो हो गए, डेवलपमेंट तो देख रहे हो ना, पर आप ये तो इसमें कोई दो राय नहीं। मैं तो बार बार कहता हूँ कि किसी को भी अगर देखना हो कि कोई नेता अपने क्षेत्र की तकदीर को कैसे बदल सकता है, तो वो पवार फैमिली से आके देखे। अब 23 और 5 कितना हुआ, 28 साल से विधायक अजीत दादा पवार हैं, और उधर 23 साल तक अजीत शरद पवार रहे विधायक, लगातार MP उन्हीं की फैमिली के हैं। तो ये तो इन्होंने बदल दिया, इसमें तो कोई काम नहीं है, अपने क्षेत्र के लिए तो किया, लेकिन अब तो घर ही में बदल गया इधर से उधर। पॉलिटिक्स है ना, ऐसा ही है ना। अच्छा, हाँ, किसके पास भी सरकार रहे, बारामती का प्रॉफिट होने वाला है। हाँ। डेवलपमेंट बारामती का होके रहेगा। अच्छा, इधर रहे चाहे उधर डेवलपमेंट होगा, क्योंकि दोनों का वो होम टाउन यही है, तो वो अपना होम टाउन डेवलप करेगी। चलिए ठीक है, आप लोग फोटोग्राफी कीजिए, मैं जरा बारामती के दूसरे इलाके में चलता हूँ।